हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस पार्ट फोर के लेक्चर में देखेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप फ्रॉम द पेरेंटल क्रॉस। अगर आपको कोई भी पेरेंटल क्रॉस या पेरेंटल जीनोटाइप दे दिया जाए तो आप उसमें आने वाली जनरेशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उनपे जो नंबर ऑफ फिनोटाइप है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आप लोगों ने देखा हो कि बहुत से प्लांट्स क्या हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ही टॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बहुत ही ड्वार्फ होते हैं। तो अगर उनका जो जनरेशन जनरेशन जैसे ही वो पास होते जाते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो टॉल भी होते हैं और साथ ही साथ प्लांट जो हैं वो ड्वार्फ भी होते हैं। मतलब उनका कुछ प्लांट्स से उनका हाइट ज़्यादा होता है और कुछ प्लांट जो है उनका हाइट कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम लोगों ने एक प्लांट ये ले लें, ठीक है, सपोज़ हम लोगों ने एक ये प्लांट ले लिया, ठीक है, जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यानी कि टॉल है। और एक दूसरा प्लांट अगर ले लें जो कि थोड़ा ड्वार्फ है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं तो उसके लिए एक्सक्यूज़ करिएगा, ठीक है। तो एक ये प्लांट ले लिया, एक ये प्लांट लिया। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो F2 जनरेशन में अगर हम बात करें तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा टॉल होते हैं और जो कुछ प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो नॉर्मली इसके अंदर तो टॉलनेस का कैरेक्टर है। सपोज अगर ये प्लांट टॉल है तो इसके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, एक तो इसके अंदर जो जीन पेयर है वो कैपिटल डी हो सकता है या इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है ये टॉल है, ठीक है। क्योंकि टी क्या है, ये जो कैपिटल टी, इट इज डोमिनेंट इन नेचर, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो टॉल होता है। अगर दोनों एलील कैपिटल टी है तब भी प्लांट टॉल होगा, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तब भी जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। लेकिन इस केस में, दूसरे केस में, इस केस में प्लांट क्यों ड्वार्फ हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेसिव कैरेक्टर होता है, कैपिटल स्मॉल टी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव एलील स्मॉल टी, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो ड्वार्फ हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम लोग फिनोटिपिकली देख के बता सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसमें डिफरेंस है। आप भी बता सकते हैं कि ये प्लांट क्या है, ये टॉल है, ठीक है, और ये प्लांट क्या है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। यानी कि फेनोटिपिकली का मतलब क्या होगा कि आप देख के बता दें कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आने वाले हैं या हैं उसमें से टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं ये टॉल है, यानी कि इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है, यानी कि कैपिटल टी जो एलील है वो डोमिनेंट है। वहीं जो ड्वार्फ प्लांट है उसमें क्या है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव एलील है, वो स्मॉल टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट है वो टॉल या ड्वार्फ होता है, ठीक है। तो आज हम ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि फेनोटिपिकली आप कैसे पता लगा सकते हैं या आप लोग कैसे देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो टॉल क्यों होते हैं और ड्वार्फ क्यों होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द फिनोटाइप फ्रॉम द पेरेंटल क्रॉस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड कंडीशन, ठीक है, मोनोहाइब्रिड। ये क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड कंडीशन, ओके, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड कंडीशन यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक पेयर होगा जीन का, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग बात करें कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, अगर इसका सेल्फिंग कर दे, इसका क्रॉस करा दे कैपिटल ए स्मॉल ए से, ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें जो आने वाली जनरेशन में कितने प्लांट्स होंगे, उनका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब उन्हें उनका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, ठीक है, यानी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा कि मैंने आपको नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेट करना दिखाया था कि आप कैसे नंबर ऑफ गैमीट को कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी कि वॉट एवर द फॉर्मूला विच यू पीपल आर यूजिंग इन नंबर फाइंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ गैमीट, द सेम फॉर्मूला यू विल यूज हेयर ऑल्सो, ओके। तो वी कैन से द नंबर ऑफ गैमीट, विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, ओके। सो जितना भी नंबर ऑफ गैमिट होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो इट विल बी अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वी कैन सी इट विल बी द इक्वल, ओके। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे, 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n, ओके। तो नंबर ऑफ गैमिट और नंबर ऑफ फिनोटाइप दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ गैमिट कैलकुलेट करना आता है तो बस आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इसको आप ध्यान में रखिए कि जितना नंबर ऑफ गैमीट होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अब हम लोग नंबर ऑफ गैमीट कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हम लोग सबसे इजीली उसमें बस
हेटरोजाइगस जीन पेयर्स को देखते थे कि कोई भी पेरेंटल क्रॉस है उसमें हम हेटरोजाइगस जीन पेयर को देखते थे कि कितना उनका नंबर है और उसके बेस पे हम लोग नंबर ऑफ गैमेट को कैलकुलेट करते थे। तो इसमें भी सेम ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर कितने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ओनली वन, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन पेयर्स इट विल बी इक्वल टू वन, यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी, वन, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2, ओके। तो इसमें क्या हो गया, कोई नंबर ऑफ जो फिनोटाइप आया वो कितना आया, 2, ठीक है। तो अब जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, उनका नंबर 2 आएगा, यानी उनका जो आने वाली जो कंडीशन है, मतलब कि जैसे कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो प्लांट होंगे वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल इसका ले लें तो जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो इसमें से एक गैमेट आएगा कैपिटल टी, इससे कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी, इससे एक गैमेट आएगा टू स्मॉल टी। तो एफ वन जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो एफ वन जनरेशन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एफ टू जनरेशन में, कि एफ टू जनरेशन में जो नंबर ऑफ फिनोटाइप है वो कितना होगा, तो इसका आप बस क्या कर लीजिए, पुनेट स्क्वायर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको सेल्फ क्रॉस कर दिए, सेल्फिंग कर दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। तो आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो आपको ये सारे प्लांट मिलेंगे, यानी कि आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे। अब इन 4 प्लांट्स में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फिनोटाइप आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पावर n से, वेयर n इज द हेटरोजाइगस जीन पेयर। तो इसमें से 1 जीन पेयर है तो क्या होगा, 2, यानी फिनोटाइप जो होंगे वो 2 होंगे। मतलब अब जब भी इन 4 प्लांट्स को देखेंगे तो इन चारों प्लांट्स में आपको जो 3 प्लांट हैं वो आपको टॉल दिखेंगे और जो एक प्लांट है वो डॉर्फ दिखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसमें देखिए कैपिटल टी है ना, तो ये क्या है, ये डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट है, इसमें भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, देखिए, तो ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल होगा, इसमें देखिए इसमें भी कैपिटल टी है, ये भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील है इसमें, तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा। अब इस केस में अगर देखें स्मॉल टी में, तो ये क्या है, ये रेसेसिव है, रेसेसिव, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा। तो आपको अगर फेनोटिपिकली अगर आप इन चारों प्लांट्स को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन चारों प्लांट को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, जो 3 प्लांट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 3 प्लांट होंगे दे विल बी टॉल, ओके, क्योंकि इसमें जो एलील है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है। और जो आपको एक सिंगल प्लांट दिखेगा वो आपको ड्वार्फ दिखेगा, ठीक है, यानी कि वो छोटा होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब क्यों दिखेगा, क्योंकि इसमें जो एलील प्रेजेंट है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो आपने फिनोटिपिकली देख लिया कि आउट ऑफ 4 प्लांट्स 3 प्लांट्स आर टॉल एंड द 1 प्लांट्स आर इज ड्वार्फ। तो आपको फिनोटिपिकली कितने क्या दिखा, 2 टाइप के प्लांट्स दिखे, एक टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट, ओके। तो 2 टाइप के प्लांट्स आपको दिखे, जिसमें से 3 जो प्लांट्स वो टॉल हैं और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। और आपका जो इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ फिनोटाइप निकल के आया वो कितना आया, 2, ओके, यानी कि टॉल प्लांट्स देखिए, टॉल 3 एंड द ड्वार्फ 1। तो फिनोटिपिकली सिर्फ 2 कंडीशन आपको दिखी, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप नंबर ऑफ फिनोटाइप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ये तो एग्जांपल हो गया मोनोहाइब्रिड का, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने एक जीन पेयर लिया था। अब हम लोग 2 जीन पेयर लेते हैं, तो चलिए अब 2 जीन पेयर ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में या डाई हाइब्रिड जीनोटाइप से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डाई हाइब्रिड कंडीशन ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड कंडीशन। ओके, तो इन डाई हाइब्रिड कंडीशन में एक फेमस सा क्रॉस ले लेते जो मेंडल ने भी किया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करा देते कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, ठीक है, यानी कि आप जो भी प्लांट्स आएंगे उसमें जो नंबर ऑफ फिनोटाइप है वो कितने होंगे, यानी कि ठीक है। तो अब चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले आप हेड टू जाकर जीन पेयर कैलकुलेट करिए, तो इसमें नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन पेयर्स कितने हैं, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, यानी कि टू, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई टू, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ फीनोटाइप विल बी इक्वल टू टू की पावर एन, यानी कि टू पर पावर टू, तो इट विल बी इक्वल टू फोर, ठीक है, कितना हुआ फोर, यानी कि इसमें जो फीनोटाइप आया वो कितना हुआ फोर, ठीक, यानी कि आपको चार टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। अब कौन से टाइप के प्लांट्स मिलेंगे चार, वो देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो आपको मिलेगा राउंड येलो मिलेगा, एक आपको राउंड ग्रीन मिलेगा, एक आपको रिंकर्ड येलो मिलेगा और आज एक रिंकर्ड ग्रीन। ओके, तो इसमें आपको क्या करें, जब भी आप इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको आने वाली जनरेशन में फोर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, जिनका जो फीनोटिपिकली अगर आप देखेंगे तो वो चार टाइप के होंगे, यानी कुछ प्लांट्स होंगे राउंड येलो, कुछ होंगे राउंड ग्रीन, कुछ होंगे रिंकर्ड येलो और कुछ होंगे रिंकर्ड ग्रीन, ठीक है। तो आपको ये चार टाइप के जो प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डाई हाइब्रिड कंडीशन हो गई, कि आप डाई हाइब्रिड कंडीशन में जो है कैसे नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, चलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। तो अगर हम बात करें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम कोई पेरेंटल जीनोटाइप ले लेते हैं, ओके, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लिया हमने, तो इसमें क्या है तीन जीन पेयर्स लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन पेयर्स का देख लीजिए, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन पेयर्स, ओके, तो कितने हैं इसमें, देखिए एक दो तीन, तो इट विल बी इक्वल टू थ्री, तो एन बराबर क्या हो गया थ्री, ओके, एन बराबर क्या हो गया थ्री। तो आप क्या आप कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ फीनोटाइप, तो नंबर ऑफ फीनोटाइप विल बी इक्वल टू टू की पावर थ्री, यानी टू इंटू टू इंटू टू एट, यानी कि अब जो जब इनका क्रॉस होगा और अगर आप देखें कि एफ टू जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे उनमें से जो नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा वो कितना हो एट, यानी कि उसमें आपको एट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा वो कितना होगा एट, ठीक है। अब आपको कोई भी क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेनली बस यही पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप ओनली, तो नो नीड ऑफ डूइंग एनी क्रॉस, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप, ओके। तो अगर हम पॉली हाइब्रिड कंडीशन की बात करें, सपोज अगर पॉली हाइब्रिड ठीक है, अगर हम लोग फोर करेक्टर ले लें, अब कितने करेक्टर, फोर करेक्टर लेके करें, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन पेयर्स विल बी इक्वल टू कितने होंगे,
एक देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। ओके, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आप कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया 2 × 4 = 16, 16। तो आपका जो आने वाली जनरेशन में जो फिनोटाइप टाइप होंगे वो कितने होंगे 16। तो इससे भी आपने कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो आप कितना आएगा आंसर, इट विल बी 16। ओके, तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, किसी भी पेरेंटल क्रॉस में आप नंबर ऑफ फिनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ और एग्जांपल लेके ले लेते हैं, ठीक है, पॉलीहाइब्रिड के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको ये कंडीशन दे दी जाए, ये पेरेंटल जीनोटाइप, ओके, अगर आपको ये पेरेंटल जीनोटाइप दे दिया गया, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप। ओके, तो फिर इसमें भी सेम रूल लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या देखेंगे, हेटरोजाइगस जीन पेयर, हेटरोजाइगस जीन पेयर्स। तो इसमें हेटरोजाइगस जीन पेयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है, बाकी सब क्या है, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमो, ठीक है, तो इसमें कितने जीन पेयर्स हैं, हेटरोजाइगस जीन पेयर्स, तो इट विल बी 3, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 8, यानी कि नंबर ऑफ फिनोटाइप आएंगे वो कितने आएंगे 8। अंडरस्टूड ना, यानी कि आप इस कंडीशन में, ठीक है, इन कंडीशन में जो भी प्लांट्स आएंगे उसमें जो नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा वो क्या होगा 8। ओके, तो आप फिनोटिपिकली आप मतलब कि देख के बता सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें जो है 8 टाइप के फिनोटाइप प्रेजेंट है। ओके, यानी कि उनका जो नंबर ऑफ फिनोटाइप है वो कितना है, वो 8 है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से और एग्जाम्पल है, जो भी आप अपने आप पेरेंटल जो क्रॉस है या पेरेंटल जीनोटाइप आप अपने आप खुद लिखिए, और लिखने के बाद आप उन्हें इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, ताकि आप जितनी ज़्यादा मैक्स प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस पर हाथ, आपका जो हाथ है वो साफ होगा और आप बहुत ही ईजिली जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे किसी भी पेरेंटल जीनोटाइप में आप कैसे जो नंबर ऑफ फिनोटाइप है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपको कोई सी भी पेरेंटल जीनोटाइप दे दिया जाए और आप उस पेरेंटल जीनोटाइप से कैसे जो नंबर ऑफ फिनोटाइप हैं वो कैलकुलेट करेंगे किसी भी जनरेशन में या आने वाली जनरेशन में, चाहे वो F1 हो चाहे F2 हो, उनमें कैसे आप जो हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरा यहीं पे वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और नई जेनेटिक्स रिलेटेड टिप्स के बारे में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।